We've shown you through the evening how the Bihar Chief Minister's son-in-law is also appointed as his personal assistant. We have an admission on camera from the son-in-law himself. But now, 5 hours after Times Now's expose, Bihar's official Damashri has been forced to resign from the Chief Minister's office. The admission coming in from a JDU member himself on the News Hour. Take a look. देखिए मेरी अभी बातचीत हुई है और उनके दामाद कोई एपीएस नहीं है, पीएस नहीं है, वो पीए हैं उनके व्यक्तिगत उनकी देखरेख करने के लिए और उनको ये मालूम भी नहीं था किसको मालूम ऐसा नहीं होना चाहिए, न तो किसी ने उनको सुझाव दिया था। सुशील मोदी जी ने अभी कहा है सर, जब कागज मेरे पास है, जब no, no, one मंत्री second, भी थे, one second, उस समय भी वो उनके वन मिनट कागज मेरे पास है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी मेरे पास है, उनकी ऑफिस की पिक्चर्स भी हमारे पास है, कितने बड़े ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या एक उनका इंटरव्यू भी हमारे पास है और ये गवर्नमेंट का रूल भी हमारे पास है कि जो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं इट इज ओनली इलीगल। यू कैन नॉट अपॉइंट योर सन इन लॉ टू मैनेज योर ऑफिस। विल यू अपॉइंट योर सन इन लॉ टू मैनेज योर ऑफिस? मैं ये कह सर उनका नाम भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, हमारी उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी मेरे पास है अभी। आप मैं उससे विल द चीफ मिनिस्टर सैक हिज सन इन लॉ? मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। क्या उनको निलंबित किया जाएगा, क्या उनको निकाला जाएगा कि नहीं? अब नहीं, उन्होंने आज ही इस्तीफा दे दिया है, आप पता लगा लीजिए। किसने इस्तीफा दे दिया है? जैसे ही यह घटना सामने आई है आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरी अभी बातचीत हुई है, इस्तीफा दे दिया। यू आर कंफर्मिंग इट? कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं। ओके, सो द चीफ मिनिस्टर सन इन लॉ हैज रिजाइंड आफ्टर दिस स्टोरी केम आउट। व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग? अजय कुमार, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? जी, ही इज नाउ रिजाइंड बट ओनली आफ्टर द स्टोरी केम आउट। व्हाट अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? डज द चीफ मिनिस्टर हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन? Prakash, who broke the story for us, is now on the phone line. Prakash, this is the Times Now Impact. The JDU member himself telling us that the PA and the son-in-law has resigned. As far as Arun Srivastava is concerned, he is saying that he has spoken to the Chief Minister of Bihar that his son-in-law has resigned, but there has not been any official confirmation from the Cabinet Coordination Department, which is the sole agency of recruit responsible for the recruitment. Okay, Prakash, stay with us. We've also got Abdul Bari Siddiqui from the RJD joining us. Mr. Siddiqui, our reporter was just telling us that the Bihar government has not yet made it official, but his son-in-law, the Chief Minister's son-in-law, indeed has resigned. नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है कि उन्होंने रिजाइन किया है या नहीं रिजाइन किया है, और रिजाइन किया है तो किस वक्त में किया है। हो सकता है कि अगर रात में या शाम में 8 बजे रिजाइन किया हो तो उन्होंने भेजा होगा, और उन्होंने भेजा होगा तो कल जो है उसको कंफर्म करेगा डिपार्टमेंट की साहब वेदर ही रिजाइन और नॉट। पर आपको क्या लगता है, रिजाइन इमीडिएटली कर देना चाहिए? जी, आपके हिसाब से रिजाइन इमीडिएटली कर देना चाहिए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा कि जब मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जो स्टाफ अपॉइंट करता है तो वो एक लिखित एक तरह से डिक्लेरेशन देता है कि ये हमारे सगे संबंधी नहीं है, और यदि मैं ये मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का डिक्लेरेशन दिया है कि हमारे सगे संबंधी नहीं है तो ये तो गंभीर बात हो जाती है, और जब गंभीर बात हो जाती है तो अब कानून अपना काम करेगा कि साहब आपने डिक्लेरेशन दिया तो सही डिक्लेरेशन दिया या गलत डिक्लेरेशन दिया ये। और दूसरी बात, अब मैं उनकी मोरलिटी पे छोड़ देता हूं कि उनका दायित्व क्या बनता है। तो क्या आपकी पार्टी जो है चीफ मिनिस्टर से भी ये सवाल करेगी और उनके रेजिग्नेशन के लिए भी मांग करेगी? नहीं नहीं, हमारी पार्टी में यह कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। हम ये जानते हैं कि साहब कानून सबके साथ जो है अपना काम करता है, तो सरकारी परिपत्र था और सरकारी परिपत्र के आलोक में अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया है
तो अब जो नियम तो वायलेशन तो हो गया ना सिद्दीकी जी, क्योंकि सरकारी पत्र तो नोटिफिकेशन तो ये है कि आप अपने किसी भी रिलेटिव को ये पोस्ट नहीं दे सकते हैं और उन्होंने दिया है ये पोस्ट, तो वायलेशन तो वहीं पे ये उसका सबूत मिल चुका है। तो क्यों नहीं आपकी पार्टी और बाकी पार्टीज ये मांग करेंगे कि चीफ मिनिस्टर को इस बात पे जवाब देना चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि चीफ मिनिस्टर को यह स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि साहब सरकारी परिपत्र की अवहेलना करके उन्होंने कैसे बहाली की, और अगर बहाली अगर किसी गफलत में उनसे हो गई है तो भी उनको जनता से खेद व्यक्त करना चाहिए।